नंगे होके कौन सी इबादत होती है? नंगा होना खुद एक ऐब है, किसी भी दीन ने कोई काम ऐसा आपके लिए नहीं रखा जिसमें आपको नंगा होना पड़े। दीन नंग छुपाता है, नंगा नहीं करता इंसान को। वो आजादारी हो, वो मजलिस हो, कोई दीनी फरीजा, कोई दीनी जिम्मेदारी, मसलन आपने जिहाद करना है, नंगे होके जिहाद करें। आपने नमाज पढ़नी है, नऊज़ु बिल्लाह, नंगे होके नमाज पढ़ें। हज करना है, नंगे होके नमाज पढ़ें, हज करें। नंगा होना कहां से निकल आया बीच में से? ये जाहिलियत की सुन्नत थी जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खत्म की, पाबंदी लगाई इसके ऊपर। नंगा होना एक बेशर्मी है, और चूंकि ये बेशर्मी उमूमी हो गई है लिहाजा किसी को देखकर कोई एहसास नहीं होता। ना हो अजीजान, घर के अंदर अपनी औलाद के सामने नंगे ना हो, ना हो नंगे, बच्चों के सामने नंगे ना हो। ये कैसे मुतारफ हो गया नंगा होना, आजादारी के अंदर नंगा होना कहां से शुरू हो गया, ये किसने डाल दिया? शर्म हया के खानदान की आजादारी होती है, इस्मत और तहारत के खानदान की आजादारी होती है, इफ्फत और हया के खानदान की आजादारी होती है। बीबियों की एक तरफ से उस बीबी का नाम लेकर, उसका नोहा पढ़ के, उसका मरसिया पढ़ के, कपड़े उतार के, तो वहां नहीं ये एहसास होता। जब मजलिस में आते हो आप, बरफर्ज अगर बदन का कोई ऐसा नंगा है तो वो ढांप के हो मजलिस के अंदर, क्योंकि खानदानी इतरत, खानदानी इफ्फत, खानदानी इस्मत का जिक्र होना है यहां पर, सैयदा का जिक्र होना है, उनकी औलाद का जिक्र होना है, बीबियों का जिक्र होना है। अगर ना हो, फर्ज करो बीबियों का जिक्र नहीं होना, मर्दों का जिक्र होना है, तो क्या मर्दों, इमाम अली का नाम लेते हुए नंगा हो इंसान, इमाम हुसैन का नाम लेते हुए नंगा हो इंसान? ये हजरत मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब ने यह सुन्नत डाली और दीन ने कबूल की। नंगा होना मर्द औरत के लिए किसी जगह भी जायज नहीं है। सिर्फ एक जगह पर अपना बदन दिखा सकते हैं मियां बीवी एक दूसरे को, बस।